पड़ोसियों से हुए विवाद में महिलाओं के साथ जमकर मारपीट व बदसलूकी का मामला सामने आया है। शालीमार दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिला थाना शालीमार बाग में महिला सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। शालीमार बाग के हैदरपुर में पड़ोसियों के झगड़े में महिलाओं के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल पीड़ित महिला की माने तो पड़ोस में रहने वाले दो युवकों ने उसकी बहू से बदतमीजी बदसलूकी करते हुए फक्तियां कसना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर महिला में जब उन युवकों के पास जाकर समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने उन पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमला बोल दिया, जिसमें महिला के सर में गंभीर चोट आई। हालांकि इस मामले में सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया, जबकि पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके साथ हुई बदसलूकी में सर में चोट गंभीर धाराओं में दर्ज होनी चाहिए। पीड़ित महिला ने आपबीती बताते हुए कहा कि कुछ युवक पिछले लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। इस बाबत कई बार आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इन युवकों पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं होती। पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाती, उल्टा उन्हें अपराधी बताया जाता। वहीं पीड़ित परिवार के 2021 में इन्हीं युवकों द्वारा उनकी बेटी शीतल पर हमला किया गया था, जो कि उस समय गर्भवती थी। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि फिर दिल्ली पुलिस महिलाओं की सेवा में तत्पर रहकर महिला सुरक्षा का दम भरने वाली इन महिलाओं को इंसाफ दिला सकेगी। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि उन युवकों पर क्या सख्त कार्यवाही की जाएगी। भारत भूषण, दिल्ली समाचार 24। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बबली है जी। मैं हैदरपुर 6 नंबर गली अम्बेडकर नगर में रहती हूँ। मेरी गली वाले लड़के हैं, बदमाश हैं, बदतमीजी करते हैं। मेरी बहू बेटियाँ बाहर निकलती हैं, उनसे बदतमीजी बोलते हैं, गलत गलत कमेंट मारते हैं उन पे, और हमको देख के हंसते हैं, सीटियाँ मारते हैं, तुम सांसी हो, तुमको रहने नहीं देंगे हम, यहाँ से जाओ, पुलिस हमारी सुनाई नहीं करती है। हमने बहुत कंप्लेंटें दे रखी, सब कुछ दे रखा है। यूँ कहते तुम क्रिमिनल हो, तुम भाई तुम सांसी हो, हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। कल की बात करें तो कल क्या हुआ? कल हमारे साथ मेरी बहू गई थी, उसको लड़की को पोती को मेरी को ट्यूशन छोड़ने के लिए, तो मेरी बहू से बदतमीजी करी लड़कों ने। सागर और सचिन थे, खड़े थे पार्क के कोने पे, तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रही है, यहाँ इधर तो हमारी तरफ तो आ जा तू। फिर उसने कहा कि नहीं भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर वो यहाँ आई, यहाँ हमसे बोला मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। हम गए वहाँ पूछने के लिए, बेटा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्यों बदतमीजी कर रहे हो, इतना कहा उन्होंने। फिर हम पे ईंट पत्थर बरसाना, हमला चालू कर दिया उन्होंने। उसमें मेरे चोट हो गई, मेरे गंभीर ये लग गया, और हम पुलिस के पास गए तो ना पुलिस सुन रही हमारी, ना कोई सुन रहा है। उनको खुले छोड़ रखे ना, उनके कुछ भी। मेरे बच्चों को डर है, मेरे बच्चों कहते हैं तुम बाहर निकलो, तुम मेरे साथ ये हादसा करेंगे, ऐसे करेंगे। मेरी बहू बेटियां बाहर नहीं निकल सकती। मेरा नाम शीतल है। मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी के इधर आई हुई हूँ। मेरी मम्मी हैदरपुर अम्बेडकर नगर में रहती है, गली नंबर 6 में। यहाँ कुछ लड़के हैं, इन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। हम भी बहन बेटियां आती हैं तो हमारे साथ भी बदसलूकी करते हैं ये। मैं भी आई हुई थी मेरी मम्मी के, जब मैं प्रेग्नेंट थी, 21 तारीख 10वां महीना था 2021 को, तो इन्होंने मेरे साथ भी बदसलूकी की है। इन्होंने मेरे पापा पे पहले हाथ छोड़ा है, मैं बाहर जैसे ही निकली इन्होंने मुझे पकड़ के खींचा है। मैं प्रेग्नेंट थी 6 महीने की, तो इन्होंने मेरे पेट पर लात मारी है, और इसमें पुलिस ने हमारा कोई सहायता नहीं की है। पुलिस इन्हीं के साथ मिली हुई है। ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, इनका ये गुंडे हैं बड़े बड़े। हमने कई जगह कंप्लेंट करी है, क्या जवाब आया है? सर इनका कोई भी इनके ऊपर इनके वो नहीं करता, पुलिस वाले कुछ नहीं कहते इनको, कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई नहीं करते कुछ भी इन पे। बस ये खुले घूमते हैं, मेरे भाइयों को इनसे खतरा है, और क्रॉस केस करवाते हैं ये हमारे भाइयों पे, और मतलब कुछ कुछ झूठे केसों में फंसाते हैं। हमने ACP DCP सबको कंप्लेंट की, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई है। और सर बच्चा भी खराब हुआ है, मेरा वोशन हो जाता इन्हीं सब चक्करों में, मेरा वोशन भी हुआ था, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं दर्द से तड़प रही थी, फिर भी पुलिस ने कोई, हमें हॉस्पिटल खुद भी नहीं ले गए, हम खुद से गए हैं हॉस्पिटल, MLC हमने खुद से कटवाई है, लेकिन पुलिस वालों ने कोई हमारी सहायता नहीं करी है। वो अभी भी खुले घूम रहे हैं, वो बस गुंडे हैं वो। हम सहायता चाहते हैं आपसे कि बस हमारी आगे सुनवाई हो, ये लड़के पकड़े जाए, गिरफ्तार हो। आयोग में आपने संपर्क किया था तो क्या कार्रवाई? कार्रवाई इनको कार्रवाई रही तो मतलब SHO ये सर है ना, ये मतलब कि ये दबा देते हैं कंप्लेंटे,
हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हम महिला आयोग में भी देते हैं तो कंप्लेंट आती है, हमारी दबा देते हैं। वो कहते हैं तुम क्रिमिनल हो, तुम सासी हो, मैं चाहूं तो तुम्हारा क्या क्या नहीं कर सकता। इनकी है साठ गांठ, इनकी अप्रोच है इन लड़कों की, साठ गांठ रहती है। तो पुलिस वाले उनसे मिलके और क्या हम इनको धमकाते हैं कि तुम सासी हो, तुम्हारा क्या नहीं हो सकता, तुम्हें हम दिल्ली आउट करेंगे, तुम्हें ये करेंगे, तुम क्रिमिनल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे ही रहो। दिल्ली में कितना सेफ मान दिल्ली।